आमतौर पर कई बार फरियादियों को अपनी शिकायत का निराकरण करने के लिए कई बार पुलिस थाने के चक्कर लगाते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता शहर इंदौर में एक थाना ऐसा भी है जहां सीएम हेल्पलाइन शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर तत्काल प्रभाव से इन सभी शिकायतों का निराकरण किया है, जिस पर अब शहर के गांधीनगर थाने को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र थाना बन चुका है। दरअसल वर्ष 2021 के सीएम हेल्पलाइन को लेकर आम जनता से सीधे संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिस पर किसी भी शासकीय कर्मचारी द्वारा पद के दायित्व का निर्वहन करते हुए जनता की समस्याओं को ना सुनना, जनहित में काम ना करना या बार बार आम जनता को परेशान होने पर इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर तुरंत उस चीज का निराकरण करना आवश्यक कर दिया गया था, जिस पर गांधीनगर पुलिस ने तत्काल निराकरण इस वर्ष प्रदेश में सर्वाधिक प्रथम स्थान हासिल किया है, जहां गांधीनगर पुलिस को 337 सीएम हेल्पलाइन शिकायतें प्राप्त हुई थी, जहां गांधीनगर थाना प्रभारी ने एक एक फरियादी की शिकायत सुन उन समस्याओं का निराकरण किया और रोजाना वह एक घंटा सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी सभी शिकायतों को सुनते हैं और उसका निराकरण करते हैं। जहाँ तक गांधीनगर की बात करें तो टोटल 337 शिकायतें प्राप्त हुई थी और 337 शिकायतों में हमने जो हमेशा हमारी टीम के द्वारा लगातार जो प्रयास किया गया है उसमें 97% हमारा निराकरण इसमें हुआ है। सर, वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से किस प्रकार का इनाम दिया जाए? एडमिनिस्ट्रेटिव समीक्षा जब अधिकारी करते हैं तो उसमें यथासंभव जो भी इनाम संभव रहता है वो समय से दिया भी गया है और आगे भी अपेक्षित है। सर, कितना मोटिवेट सपोर्ट मिला आपको स्टाफ की तरफ से इसमें? तो स्टाफ को तो ब्रीफ करना रहता है अपने को, अगर कोई समस्या कहीं स्टाफ को समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे निराकरण करें तो एक बार उसका शिकायत का जो विषय है वो समझ कर स्टाफ को गाइड कर दिया जाता है और फिर भी यदि दिक्कत आती है तो लगातार संपर्क बने रहते हैं और प्रयास किया जाता है किसी तरह से आवेदक अनावेदक या फरियादी आरोपी जो भी है उसका जो विषय है शिकायत का उसका अंतिम निराकरण तक पहुंचाया जा सके। उनका ये कहना है कि डेली जब भी आप थाने पर आते हैं तो मेला जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें थोड़ा गंभीरता से समय दिया करें, तो मैंने अपनी एक दिनचर्या बनाई है, जब भी थाने पर आता हूँ तो मैं आधा घंटे जो भी सीएम हमारी पेंडिंग रहती हैं उसमें फरियादी से सीधे बात करके और या तो मोबाइल से बात कर लेता हूँ या फिर उनको थाने बुला के उनकी समस्या सुन लेता हूँ और जो भी यथासंभव निराकरण होता है उसका निराकरण कर दिया जाता है या वो शिकायत पुलिस से हटके है तो संबंधित व्यक्ति को एक रास्ता बता दिया जाता है कि आपकी जो हेल्पलाइन है वो संबंधित विभाग से इसका डिस्पोजल हो पाएगा। तो इस कारण से लगातार कहीं ना कहीं मैंने मेरे स्टाफ ने प्रयास किया और उसी का रिजल्ट है कि सीएम हेल्पलाइन में हमारा जो इंदौर जिले के जो 49 थाने 49 थाने हैं उनमें हमारा गांधीनगर का फर्स्ट नंबर आया है।